आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ना तो गुलाब जामुन है ना मालपुआ, लेकिन खाने में इसका स्वाद गुलाब जामुन जैसे ही होता है। तो चलिए देखते हैं हमने अपनी रेसिपी कैसे बनाई है। हाय देयर, दिस इज अनामिका, वेलकम बैक टू माय विनमी लाइव चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम सूजी से बनाएंगे और यह रसभरी के नाम से भी जानी जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने 1 स्पून घी डाल दिया है। फिर हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी आपको बारीक लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए। हमको इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, और गैस का फ्लेम आपको स्लो ही रखना है। सारा प्रोसेस आपको स्लो आंच में ही करना है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। ये देखो 5 मिनट्स हो गए हैं, ये हमारी सूजी भी अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप सूजी ली थी, दूध हम 2 कप डालेंगे, लेकिन दोनों कप आपको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। हमको अब इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर आपको लगता है लम्स है तो आप इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। फिर आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो ये मैं चला रही हूँ, इसको हल्का सा दबा दबा कर चलाते रहना है ताकि जो भी लम्स हो वो इजली से खुल जाए। अब हम इसमें सारा दूध डाल देंगे। जो हमारा बचा हुआ दूध था वो भी हमने डाल दिया है, यानी कि टोटल मिलाकर हमारे 2 कप दूध हो गए हैं। अब हमको इसको चलाते रहना है। इसको तब तक चलाते रहना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी डो जैसे ना हो जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, दूध एक साथ आपको ज़्यादा नहीं डालना है, और इसका मेजरमेंट भी बहुत ईजी है। 1 कप सूजी में आपको 2 कप दूध का यूज़ करना है। तो ये आप देख सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी डो जैसे हो गई है। हम अब इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब तक हमने रेस्ट के लिए छोड़ा है तब तक हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें अब हम 2 कप चीनी डाल देंगे। 1 कप सूजी के लिए हमने 2 कप चीनी का यूज़ किया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, यानी कि चीनी और पानी दोनों बराबर होनी चाहिए। ये देखो, ये हमने 2 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको हिलाएंगे जब तक हमारी पूरी चीनी मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही चीनी गल जाएगी और इसमें एक बॉइल आ जाएगा, फिर हम गैस की आंच कम कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर के धागे डालेंगे। चाहे तो आप इस स्टेज में कलर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको नहीं डालना है कलर तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। ये देखो, अच्छा सा बॉइल आ गया है। अब हम गैस की आंच स्लो कर देंगे और इसे धीमी आंच पे 1-2 मिनट तक पकाएंगे। हमको इसकी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमको इसको प्लेन ही रखना है। हमने अब इसमें 1/2 नींबू का रस डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम इसको अलग रख देंगे। सूजी का मिक्सचर भी हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए ताकि हम इसको टच कर सकें। अब हमको इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। बस सारा आपको इसी में ही ध्यान रखना है। डो जितना अच्छा लगेगा हमारी मिठाई भी उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर डो अच्छा नहीं लगेगा तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। सारा ही इसी डो में डिपेंड करता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से मसल कर इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है। देखो, आप देख सकते हो मैं कितना अच्छे से मसल रही हूँ, और हमको बिल्कुल एक सॉफ्ट डो लगा देना है इसका। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने एक डो लगा दिया है। हम अब इसमें 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। हम अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगा देंगे। आपको अगर मैदा यूज़ नहीं करना है तो आप मिल्क पाउडर 1 स्पून और ऐड कर दीजिए। हमने 1 स्पून घी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो हमारा लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमने बेकिंग सोडा को अच्छे से डो में मिक्स कर दिया है। डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट लगकर रेडी हो गया है। अब हम मिठाई बनाते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हमको इसके छोटे छोटे पेड़े लेने हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया है। अब हम इसको गोल करेंगे। अब हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, जैसे हम टिक्की बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है हमको। तो ये हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम नाइफ़ की सहायता से इसमें डिजाइन बनाएंगे। अगर आपको नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो डिजाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाना। आप चाहे तो इसमें डिजाइन फॉर्क की सहायता से भी बना सकते हो। अगर आपको नहीं भी बनाना है तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है इसलिए हमने बनाया है। इसी तरह हम अपने सारी मिठाइयाँ बनाएंगे। ये हमने सारी मिठाइयाँ बनाकर रेडी कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चाहे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, चाहे सेलो फ्राई,
यहाँ पर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल रखा है गैस पे। हमको अब चेक करना है कि हमारा तेल गर्म हो गया है या नहीं। तो उसके लिए हमको जिससे हमने सूजी की मिठाई बनाई थी ना, उसका ही थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे। देखो जैसे हमने डाला, बबल्स आना चालू हो गए ना साइड साइड में, तो इसका मतलब हमारा तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब हम जो हमने मिठाई बनाई थी सूजी की, वो हम इसमें डाल देंगे। तो आपको एक एक करके डालना है। तो ये आप देख सकते हो, देखो ये मैं डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। अगर गैस का फ्लेम तेज हो तो ऊपर से तो इनमें अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन ये अंदर से कच्ची रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम आपको मीडियम होना चाहिए। और दूसरा, आपको इनमें तुरंत कड़छी नहीं लगानी है। जब ये अच्छे से पक जाए एक साइड से, तभी आपको कड़छी का यूज़ करना है। आपको इसी तरह दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है, जो भी कलर आपको पसंद है। अगर आपको डार्क गोल्डन पसंद है तो आप वो रखें, अगर आपको लाइट गोल्डन पसंद है तो आप वही कलर रखें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए। देखो दोनों साइड से बहुत अच्छे सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल देंगे। जो ये मिठाई है ये रसभरी के नाम से जानी जाती है। अब हम मिठाई को गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये इसमें चाशनी में डाल रही हूँ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, आप इसे ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। गुलाब जामुन तो हम बनाते ही रहते हैं, एक बार रसभरी बनाकर देखना। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत जल्दी बन जाती है। सूजी, दूध और चीनी तो हम सभी के घर में होती है। अगर आप मिल्क पाउडर और मैदा नहीं भी डालोगे तब भी ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये हमने सारी मिठाई को चीनी की चाशनी में डाल दिया है। अब एक घंटे के बाद हम देखते हैं। एक घंटा हो गया है, आप देख सकते हो हमारी मिठाई कितनी अच्छे से फूल गई है। इनके अंदर तक रस जा चुका है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।